की शुरुआत भले ही इंग्लैंड ने की हो, लेकिन एशिया में भी ये खेल कम हिट नहीं है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमें इसी क्षेत्र से आती हैं। एशियन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हर दो साल बाद एशिया कप का भी आयोजन कराया जाता है। तो आइए जानते हैं एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट एशिया कप की आखिर कब शुरुआत हुई थी। दरअसल जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो इसी के आसपास एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक टूर्नामेंट के आयोजन की भी चर्चा हो रही थी। एशियन देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए 1983 में ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसने तय किया कि हर दो साल बाद एशिया कप का आयोजन कराया जाएगा। एसीसी की स्थापना के बाद साल 1984 में पहला टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में कराया गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान के अलावा आईसीसी सदस्य बनी श्रीलंका की टीम ने हिस्सा लिया। राउंड रॉबिन आधार पर कराए गए टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर दो मैच जीतने वाले भारत ने पहले एशिया कप पर कब्जा जमाया। 1986 में दूसरे एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में हुआ, तो भारत ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह थी श्रीलंका में खेली गई विवादित सीरीज। इसी साल बांग्लादेश को भी एशिया कप में शामिल किया गया। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया। तीसरा एशिया कप 1988 में बांग्लादेश में कराया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर भारत ने दूसरा एशिया कप अपने नाम किया। 1990 में चौथे एशिया कप का आयोजन भारत में हुआ, तो इस बार पाकिस्तान ने राजनीतिक रिश्तों की वजह से अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया। भारत ने इस बार भी श्रीलंका को हराकर तीसरी बार एशिया कप पर कब्जा जमाया। साल 1993 में भारत और पाकिस्तान के बीच खराब होते राजनीतिक रिश्ते की वजह से एशिया कप का आयोजन स्थगित करना पड़ा। 11 साल बाद 1995 में यूएई में 5वें एशिया कप का आयोजन हुआ। इस बार भी फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। भारत ने श्रीलंका को हराकर हैट्रिक तीसरी बार एशिया कप जीता। छठा एशिया कप 1997 में श्रीलंका में कराया गया। इस टूर्नामेंट में भारत की जीत का सिलसिला टूटा और श्रीलंका ने 8 विकेट से भारत को हरा दिया। 7वां एशिया कप साल 2000 में फिर से बांग्लादेश में हुआ। भारत सिर्फ एक मैच जीतने की वजह से पहली बार टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो वहीं पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर पहली बार एशिया कप जीता। साल 2004 में एशिया कप का 8वां एडिशन श्रीलंका में हुआ। इस बार हांगकांग और यूएई ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस बार फाइनल में फिर से भारत श्रीलंका का मुकाबला हुआ। श्रीलंका ने भारत को 25 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया। साल 2008 में एशिया कप के 9वें एडिशन का आयोजन पाकिस्तान में हुआ और एक बार फिर फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, और इस बार भी श्रीलंका ने भारत को हराकर चौथी बार एशिया कप जीत लिया। एशिया कप का 10वां एडिशन साल 2010 में एक बार फिर श्रीलंका में हुआ, और इस बार भी फाइनल में भारत श्रीलंका भिड़े। भारत ने श्रीलंका को हराकर 5वीं बार एशिया कप जीत लिया। 11वां एशिया कप साल 2012 में बांग्लादेश में आयोजित हुआ, जिसे भारत और बांग्लादेश दोनों याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। पहली बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा बांग्लादेश, हालांकि फाइनल में पाकिस्तान से हार गया। 12वां एशिया कप साल 2014 में फिर से बांग्लादेश में हुआ। इस बार फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान पहुंचे। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 5वीं बार एशिया कप जीत लिया। साल 2016 में 13वां एशिया कप लगातार तीसरी बार बांग्लादेश में कराया गया, लेकिन इस बार फॉर्मेट चेंज हो गया। आईसीसी ने रोटेशन सिस्टम लागू कर वनडे और टी20 के तौर पर टूर्नामेंट कराने का फैसला किया। पहले टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत और बांग्लादेश पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पहला टी20 एशिया कप जीत लिया। साल 2018 में एशिया कप के 14वें टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। भारत और श्रीलंका ने 5-5 बार एशिया कप पर कब्जा जमाया, जबकि पाकिस्तान 2 बार ये खिताब जीत सका।